आपदा से निपटने के लिए पुलिस थाना परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से आतंकवादी द्वारा किए गए अटैक को दर्शाया गया। पुलिस, अग्निशमन और होमगार्ड के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा से निपटने के तरीके बताए गए। पुलिस थाना नाहन परिसर में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान एक आतंकी हमले को दर्शाया गया और दिखाया गया कि कैसे इस तरह की परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। मॉक ड्रिल के प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद यही दिखाना था कि कैसे किसी आतंकी हमले के दौरान परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। 6 तारीख को जो है एक टेररिस्ट अटैक के ऊपर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कि पुलिस वालों, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें एक 3 मंजिला इमारत, जिसमें मतलब एक रिहायशी में आता है, उसमें 3री मंजिल के ऊपर आतंकवादी जो है ऊपर घुस गए हैं और उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर अंदर जवान वगैरह थे, अंदर जैसे वो फैमिली वगैरह थी, उनको मतलब कैप्चर कर लिया इसमें। तो बाहर से क्या हुआ कि मतलब पुलिस वालों ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद में उनको वार्निंग दी गई, लेकिन जैसे ही वार्निंग दी गई, उन्होंने एकदम से ऊपर से अटैक कर दिया। अटैक के साथ साथ जो है उन्होंने बिल्डिंग में आग भी लगा दी, इसलिए फायर ब्रिगेड को जो है इस कार्रवाई के लिए आना पड़ा। फायर ब्रिगेड जो है अपनी पूरी कार्रवाई की, बिल्डिंग की आग को भी बुझाया और साथ में सर्च एंड रेस्क्यू भी किया गया। इस कार्रवाई के लिए सबसे पहले हमारा एक जवान VA सेट के साथ और फायर एंट्री सूट डाल के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए गया। तो वहाँ पर क्या ऐसी स्थिति आई कि वहाँ पर जो है वो अंदर जाके घायल हो गया और फंस गया, उसको बाहर निकलने के लिए दिक्कत हुई। फिर बाद में दूसरे जवान को उसी पोजीशन में भेजा गया उसकी हेल्प के लिए। उन्होंने आकर बताया कि ऐसे ऐसे जो है पूरी बिल्डिंग में जो है ऐसे ऐसे सब जगह धुआं फैला हुआ था, सब जगह इतने मतलब उन्होंने पूरी रैकी की इस बिल्डिंग के लिए, कितने जवान अंदर घायल हैं, कितने क्या है, उसमें पूरी रैकी की। उसके बाद में उन्होंने हमारे को रिपोर्ट दी। तो बाद में हमारी जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, साथ में होमगार्ड के जवान जो है, उन्होंने पूरा जो है इसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू किया और सभी मेथड्स को जिस तरीके से जैसी कैजुअलिटी थी उस हिसाब से जो है बाहर निकाला गया। PLTV न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट, नाहन।